आज इस वीडियो में हम बनाएंगे बहुत ही मजेदार चटपटे क्रिस्पी पोटैटो चीज टैकोस। मैं आपको बताऊंगी सबसे आसान तरीका इन बढ़िया टैकोस को बनाने का। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। आप हीरा बनाया है रब ने हर किसी को, पर चमकता वही है जो तराशने की हद से गुजरता है। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल दिल से दुबई नवनीत। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम बनाएंगे एक मैक्सिकन डिश, लेकिन इंडियन स्टाइल में। हम बनाएंगे आज बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी चटपटे पोटैटो चीज टैकोस, जो बच्चों से लेके सभी को बहुत ही पसंद आने वाले हैं, और बनाएंगे भी हम इसे बहुत ही ज्यादा आसान तरीके से। तो चलिए करते हैं फिर शुरुआत। टैकोस बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बाउल में डालेंगे 1 कप आटा। ये नॉर्मल गेहूं का आटा है जो हम चपाती के लिए इस्तेमाल करते हो। 1 कप आटे में हम डालेंगे 1/2 कप मैदा, 1 टेबलस्पून ऑयल, सॉल्ट टू टेस्ट। सभी इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और जैसे हम नॉर्मल चपाती का आटा लगाते हैं बिल्कुल वैसे ही इसमें धीरे धीरे पानी ऐड करते हुए आटा लगा लेंगे। आटे को मैंने 5 मिनट तक अच्छे से नीड कर लिया है। इसके ऊपर अब हम ऑयल लगाकर इसे 15 से 20 मिनट के लिए ढक कर सेट होने के लिए रख देंगे। जब तक डो रेस्ट पे है हम अपनी बाकी तैयारी कर लेते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पे एक पैन को गर्म कर लिया है। 1 स्पून ऑयल लिया है मैंने, और इसे हम गर्म कर लेते हैं अच्छे से। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है। इसमें हम डाल देंगे मीडियम साइज के 2 कटे हुए प्याज, जिन्हें कि मैंने ऐसे स्लाइसेस में कट किया है। इसे हमने अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है। अनियन को हमने अच्छे से ब्राउन होने तक भून दिया है। फ्लेम को हम ऑफ कर देते हैं और अपना आगे का काम कर लेते हैं। आटे को 15 मिनट हो गए हैं। इसे हम 1 मिनट के लिए और गूंद लेते हैं। इसकी हम इक्वल साइज की लोई बना लेंगे। नॉर्मल जितनी हम चपाती के लिए लोई बनाते हैं बिल्कुल सेम साइज की। अब हम एक-एक लोई उठाएंगे और इसे हम बेल लेंगे थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट कर कर। जितने नॉर्मल साइज की हम चपाती बनाते हैं सेम साइज की ही हम इसे बेलेंगे। ऐसे ही हमने अपनी सभी चपाती को बेल लेना है। अब हमने एक तवे को गर्म कर लेना है और उनके ऊपर एक एक चपाती सेक लेनी है। हमने आधा ही चपाती को सेकना है। चपातीस को हमने 1/2 डन कर लिया है। अनियन को भी भून लिया है। अब हम एक बोल में डालेंगे 4 मीडियम साइज के बॉईल किए हुए और अच्छे से मैश किए हुए पोटैटोस। इसमें हम ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। इसे थोड़ा सा चटपटा बनाने के लिए 1/2 टीस्पून ही चाट मसाला पाउडर, रेड चिल्ली पाउडर 1/2 टीस्पून, गरम मसाला 1/2 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, भुने हुए जीरे का पाउडर 1/2 टीस्पून, नमक स्वाद के अनुसार। इसमें अब हम ऐड कर देंगे भुना हुआ प्याज। इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। हम बना रहे हैं पोटैटो एंड चीज टैकोस।
आप अगर वेजिटेबल टैकोस बनाना चाहते हो तो आप टैटोस में अपनी पसंद की वेजिटेबल्स को भी ऐड कर सकते हो। प्याज आप इसमें भूनकर ही डालिए, उससे टेस्ट में बहुत ज़्यादा फर्क आता है। स्टफिंग तैयार हो गई है। अब हम एक एक चपाती को उठाएंगे जिसे हमने हाफ डन किया था। अब सबसे पहले हमने ये जो हाफ डन की है चपाती, उसके ऊपर लगाएंगे पिज्जा सॉस। आप पिज्जा सॉस की जगह पे टमाटो केचप या अपनी पसंद की कोई भी सॉस, हरी चटनी लगा सकते हो। आप इसे पूरी चपाती पे भी लगा सकते हो, लेकिन मैं इसे हाफ चपाती पे ही लगा रही हूँ। अच्छे से हमने इसे स्प्रेड कर देना है। इसके ऊपर हम डालेंगे 2 टेबलस्पून भरकर स्टफिंग जो हमने पोटैटो की तैयार की है। इसे हमने अच्छे से स्प्रेड कर लिया है। इसके ऊपर हम एक लेयर लगाएंगे मोजरेला चीज की। अच्छे से हमें इसे भी पूरी जो हाफ चपाती है उसके ऊपर लगा देना है। खूब सारा हमने मोजरेला चीज भी डाल दिया है। अब हम इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे और ऐसे ही हम अपने सभी टैकोस बनाकर रेडी कर लेते हैं। सभी टैकोस को हमने फिल कर लिया है। अब हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। अब हम फिर से तवे को गर्म कर लेंगे और इसके ऊपर डालेंगे 1 टेबलस्पून बटर और इसे अच्छे से पूरे तवे पे स्प्रेड कर लेंगे। फ्लेम आपने लो ही रखनी है। बटर अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब हम एक एक टैकू उठाएंगे और इसे सेक लेंगे। आपने ध्यान रखना है कि फ्लेम आपने एकदम लो ही रखनी है। अच्छे से क्रिस्प होने तक हम इसे सेकेंगे। 3 मिनट तक मैंने इसे एक साइड से सेक लिया है। अब हम इसे टर्न कर देंगे दूसरी साइड पे भी। दोनों साइड से हम अच्छे से क्रिस्प होने तक इसे सेकेंगे। इस साइड भी हम हल्का सा बटर लगा लेंगे। आप ये रेसिपी एक बार जरूर ट्राई करिएगा। ये बहुत ही मजेदार रेसिपी है। हम चेक कर लेते हैं एक बार कि ये दूसरी साइड से अच्छे से सिक गया है या नहीं। आप देखिए कितने बढ़िया टैकोस दोनों साइड से अच्छे से सिक गए हैं और क्रिस्पी भी हो गए हैं। इस साइड से भी टैकोस अच्छे से सिक गए हैं। आप देखिए अब हम इन्हें निकाल लेंगे। बहुत ही बढ़िया अमेजिंग टैकोस बनकर रेडी हो गए हैं। आप देखिए कितने बढ़िया है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही स्वादिष्ट क्रिस्पी चटपटे पोटैटो चीज टैकोस बनकर हो गए हैं तैयार। जो देखने में तो लग ही रहे हैं लाजवाब, खाने में है कई गुना मजेदार। हम इसे कट कर भी देख लेते हैं कि ये कितना क्रिस्पी है। आप इसके साउंड से ही अंदाजा लगा सकते हो। कितने बढ़िया चीजी चटपटे पोटैटो चीज टैकोस बनकर हो गए हैं तैयार। इसे बनाना भी आपने देख ही लिया है कितना है आसान। आप इसे लेफ्ट ओवर पोटैटो से या आटे से भी बना सकते हो। आप बनाइए इस मैक्सिकन रेसिपी के इंडियन वर्जन को और लीजिए मजे इस चटपटी रेसिपी के। एंड प्लीज सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक माई चैनल दिल से दुबई नवनीत। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।